जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक आज चंबा के जिला परिषद कार्यालय में संपन्न हुई। यह बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा व डॉक्टर नीलम कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने शिक्षण संस्थानों में आयोजित हो रहे वार्षिक समारोह में हो रही राजनीति पीआर विरोध जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर वार्षिक समारोह के नाम पर राजनीति सरासर गलत है। उनके द्वारा मांग की गई कि स्कूलों में राजनीति न की जाए और स्कूलों को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में जो अधिकारी मौजूद नहीं थे उन्हें इस बारे नोटिस देने की बात कही गई। जहां तक मेरे ध्यान में है और जो है आपको भी कॉल करके कहा गया कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और मॉर्निंग में ऐसा क्या हो जाता है कि उस कार्यक्रम को कैंसिल किया जाता है। मेरी बात हुई माननीय विधायक जी से, भी मैंने बात करी है कि क्या आपने ऐसा कोई निर्देश दिए हैं या कोई ऐसी बात हुई है, तो उनका कहना है हमें नहीं पता है, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं माननीय अगर हमारे बीच में उप निदेशक उच्च शिक्षा विभाग यहाँ पे आए हैं तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि किस व्यक्ति के द्वारा ये राजनीति खेल खेला जा रहा है और पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिनिधियों के ऊपर जो है वो भेदभाव जो है वो पिछले एक से डेढ़ सालों के अंदर किया जा रहा है। अभी परसों मैंने पंजाब केसरी में एक न्यूज पढ़ी है जिसमें साच पंचायत में भी किसी तरह का भेदभाव का एक मामला सामने आया कि हमारे जीते हुए पंचायत के जो प्रतिनिधि है, पंचायत के प्रधान है, उस प्रधान को जो वो बैठने तक के लिए जगह नहीं दी गई, जबकि हारे हुए लोग जो मंच पर राजनीति की घोषणाएं कर रहे हैं। तो क्या ये स्कूलों में इस तरह से जायज है? मैं सदन के माध्यम से मैं माननीय उप निदेशक उच्च शिक्षा विभाग जी से जानना चाहता हूँ, कृपया वो स्पष्ट करें, क्योंकि उन्होंने मीडिया को एक बयान दिया कि हर जो जीते हुए सरकार के प्रतिनिधि होते हैं वो ही इस कार्यक्रम में आमंत्रित होते हैं। तो हमें ये इस सदन में बताएं कि माननीय अध्यक्ष जी है या हमारे पंचायत के जो प्रधान है, वो कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, कौन से सिंबल पे इलेक्शन लड़े हैं, जिनका ये हवाला दे रहे हैं कि जीते हुए सरकार के प्रतिनिधि है, क्योंकि हम तो इलेक्शन लड़े हैं तो किसी पार्टी का सिंबल नहीं था। तो क्यों इस तरह की राजनीतिक भेदभाव हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ किया जा रहा है, चाहे हमारे पंचायत के प्रधान है, चाहे हमारे जिला परिषद है, कृपया वो सदन में स्पष्ट करें। अभी एक पक्ष सुना भी दूसरा पक्ष भी रखा जाए। इस बातों का जो हुआ है, मनोज जी ने जिन बातों का जिक्र करा है उनका मैं स्पष्टीकरण जो रिटर्न में भी पहले आपके ऑफिस को दे चुका हूँ, जिसमें मैंने ये जिक्र करा है कि मैंने कभी भी मासिक पारितोषिक वितरण समारोह को रद्द करने बारे कोई भी आदेश किसी भी प्रधानाचार्य को नहीं दिए हैं। हाँ, इतना जरूर कहा है कि जिन्होंने बिना विभाग को सूचित किए वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन कर रहे हैं उसे आगामी आदेशों तक टाला जाए, क्योंकि इसी बीच जो विभिन्न पाठशालाओं की मुखियाओं को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मान्य की बात अभी की जा रही है, पिछले साल कौन से आधार ऑथेंटिकेशन हो रहे थे जब 2022 में ये राउंड में पिछले साल को भी आ रहा हूँ, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले साल का भी जिक्र इसमें आएगा जो हमें कह रहे हैं। इसमें आधार ऑथेंटिकेशन का था मेन जो चला हुआ था, जिसकी जो समय जो था सीमित था और शिक्षा निदेशक उच्च हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका समय जो निर्धारित किया गया था 31 सितंबर तक। और अध्यक्ष महोदय, मैंने ये भी निर्देश दिया कि विद्यालय में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले विभाग को अवश्य सूचित करें, ताकि प्रोटोकॉल के हिसाब से यदि कोई सरकार में चुने हुए माननीय मंत्री या उनके समकक्ष माननीय पाठशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर पाठशाला का दौरा करते हैं तो उप शिक्षा निदेशक होने के नाते मैं भी उस कार्यक्रम का आकलन कर सकूं और व्यक्ति रूप से उपस्थित हो सकूं। लेकिन मीडिया द्वारा जो मेरे बयान के तोड़ मोड़ का छापा गया, जिसका मैं खंडन करता हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि चुने हुए प्रधान या जिला परिषद वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि नहीं हो सकते। मेरी इस तरह के वक्तव्य देने का ना कोई व्यक्तिगत मंशा थी और ना ही मैंने ऐसे कहा है। तो अध्यक्ष महोदय मेरे आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मत को रद्द करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज 1.5 महीना हो चुका है, क्या इन्होंने सिर्फ ऑफिस को जो भी भेजा है, इसके अलावा कहीं खंडन करने की मीडिया के सामने आके बात करिए कि मैं इसका खंडन करता हूँ, झूठी खबर छापी गई है। और जो राम स्कूल की बात है, उस समय जब फोन आया मैं स्वयं वहां पे मौजूद था, प्रिंसिपल की आंखों से आंसू मैंने देखे हैं, वो लाइन में वहां पे मौजूद था, प्रिंसिपल को रोते हुए, उन स्टाफ को रोते हुए मैंने देखा है, उन बच्चों को रोते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है।
उसमें कौन सा था ऑथेंटिकेशन चला हुआ था? आखिर क्यों ये राजनीतिक भेदभाव और चंद लोगों की वजह से? क्योंकि अगर विधायक जी बोलते मैं मानता हूँ, क्योंकि सरकार में वो आज मौजूद, अगर वो बोलते तो मैं मान जाता। मेरी विधायक जी से व्यक्तिगत बात हुई, उन्होंने इस तरह की कोई इनको कॉल नहीं किया है, और जो प्रिंसिपल को कॉल की है इस तरह की कोई कॉल नहीं जिस तरह से ये बता रहे हैं। नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि सदन के माध्यम से लाइन कॉल की जाए प्रिंसिपल को, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि जब राम स्कूल में कॉल हुई थी, मैं स्वयं वहां पे, हमारे सामने की बात है ये, उनकी आंखों से आंसू टपकते हमने देखे थे। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि प्रिंसिपल को कि उनकी आंखों में आंसू निकल आए, वो रो दिए और स्टाफ रो दिया और बच्चे रो दिए, ऐसी क्या मजबूरी थी? पीपल को स्पष्ट करें कि जो पार्टी की बात कर रहे हैं कि आप वो बोल रहे हैं खंडन कर रहे हैं, आज खंडन करें, पिछले डेढ़ महीने में कितना खंडन किया? क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आके बयान दिया कि चाहे जिस भी पेपर में वो छपा था वो पेपर गलत था? आज कह रहे हैं कि खंडन कर रहे, डेढ़ महीने में क्यों खंडन नहीं हुआ इसका? मुझे इसका जवाब चाहिए। या फिर स्पष्ट करें कि हमने कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का मैंने कभी कोई जिक्र नहीं करा है। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने कभी भी ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि जिला परिषद के सदस्य या कोई प्रधान वार्षिक पात्र धर्म समारोह में मुख्य अतिथि नहीं हो सकते। और डीजे साउंड सिस्टम सारा ऐसे लोग कैंसिल करने की ऐसी मजबूरी क्या आ गई थी, क्यों उनको कैंसिल किया गया? जैसा कि रूल में दिया गया है कि एसएमसी जो है वो लाइबल है कि वो किसी को भी एज वो आमंत्रण दे सकती है। अभी थोड़ा सा मैं आपकी तरफ जस्टिफिकेशन मांग रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एक मेरा मुद्दा भी इंक्लूड किया था कि मैं उस लेवल का उस मुद्दे को नहीं समझती हूँ कि यहाँ पर सदन में चर्चा के लिए लाया जाए। लेकिन क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, जनप्रतिनिधि के सम्मान से जुड़ा है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, जनता ने सभी को वोट दिया होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस तरह का कुछ अगर है रिटर्न में, क्योंकि कोई भी, जहां तक मेरा ख्याल है, कोई भी ऐसा एनुअल फंक्शन होता है तो सूचना पहले आपको यहाँ पहुंचती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेनो से आपको सूचना नहीं मिली थी या राम से आपको सूचना नहीं मिली थी, पॉइंट वन। सेकंड पॉइंट, आपने कहा कि हम रद्द करते हैं, और मतलब हम रद्द नहीं करते, हम स्थगित करते हैं, पोस्टपोन करते हैं कि आज नहीं करते, नेक्स्ट टाइम करवा दिया जाए। तो फिर ऐसी क्या वजह रही कि सेम डे, जैसे मान लीजिए खाना वहां सब कुछ रेडी है, सब कुछ जो भी है मतलब तैयारी हो चुकी है, उसके बाद 5 बजे के बाद कौन से आदेश ऐसे थे जो जिनको हम मान्य समझे कि पोस्टपोन जो है वो भी डिटेल में तो नहीं गया? टेलीफोनिकली आप कह रहे हैं कि हमने भाई ऐसा नहीं उस चीज को कहा या समझा, कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं हुई है। तो आप ऑन दी स्पॉट ना करें, आप कम से कम अपने स्कूलों को एक अधिसूचना जारी करें कि ऐसा कोई भी फंक्शन रखते हैं आप कम से कम एक हफ्ता पहले आपको सूचित करें, अगर आपका ये कहना है कि उन्होंने आपको सूचित नहीं किया है तो। क्योंकि ऑन दी स्पॉट जब आप कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र को चैलेंज कर रहे हैं। लोकतंत्र है लोगों का, लोगों के लिए चलाए जाने वाला शासन है, किसी को भी लोग जनता चाहे बुला सकती है, एसएमसी चाहे बुला सकती है, एसएमसी के प्रधान इसीलिए चुने गए हैं। तो आपको एक हफ्ता पहले सूचित किया जाए, ऐसा आपने कोई रिटर्न में दिया उनको? जनता ने चाहा भी नहीं, वो थोड़े वाली बात हो गई ना, वो जनप्रतिनिधि है ना वो ऑफिसर है, कोई रिटायर्ड व्यक्ति है जो घर बैठा है उसको मजबूरी में, और वो व्यक्ति मुझे फोन करके कह रहा है कि भाई आप नहीं आ रहे तो मैं चला जाता हूँ, ऐसी भी क्या बात होगी? दूसरे दिन का भी सूचना की कैसे हो गया जब आप यहाँ कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में नहीं? अभी आपने कहा कि मेरे ध्यान में हुए बगैर कोई भी मीटिंग नहीं होती है, ऑन दी स्पॉट ना करें, आप करें। आपके भी कुछ रूल रेगुलेशन, आपका की किसकी डेट निकली है, ऐसी कोई सूचना आपने, मुख्य अतिथि भी बदलना है। जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई है और नव वर्ष में ये पहली बैठक थी। जो एजेंडाज पिछले वर्षों से चलते आ रहे थे, जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी था जनप्रतिनिधियों की और विभागों के अध्यक्षों के साथ, एक जो चर्चा, जो एक तालमेल के साथ एक हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, जो हम एजेंडाज को तभी हम जैसे यहाँ से डिलीट करते हैं या उसको रद्द करते हैं जब तक उस पर काम हो रहा है। तो कुछ एजेंडाज पे जिन पे काम हो चुका था उनको रद्द कर दिया गया, नए एजेंडा को शामिल कर दिया गया, अल्टीमेटली एक इस विश्वास के साथ कि जो एजेंडाज आगे आएंगे उसको भी टाइम टू टाइम जैसे उस पर काम किया जाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट में जो जिला लेवल की समस्याएं हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट यहाँ है, एक जो स्थानीय सरकार है, पंचायती राज टाइप सिस्टम का जो भी एक समस्या है वो यहाँ इस मंच के माध्यम से हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। एस्पिरेशनल जिला से इंस्पिरेशनल जिला बनाने की बात भी सदन में की गई है, उसके बारे में बताएं कि क्या? जी, ये बात मैंने ही रखी है, एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल का जो एक स्पॉट है। तो अभी जैसे रिसेंटली IIMA अहमदाबाद गुजरात में हमारी ट्रेनिंग हुई है,
तो वो भारत सरकार ने पहली बार इस तरह की जो पंचायती राज आरडीएसए के थ्रू ट्रेनिंग हमें दी गई, पहली बार भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रयास किया गया है जिसमें जो जनप्रतिनिधि है पंचायती राज के, जैसे थ्री टायर सिस्टम में, जैसे सुप्रीम में देखा जाए तो थ्री टायर में जैसे पंचायत, उसके बाद समिति और जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि आते हैं। तो जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि में जिला परिषद अध्यक्ष को बुलाया गया था। इसके अलावा जैसे IAS ब्यूरोक्रेट्स जो साथ में हमारे CEO ADC रहते हैं, तो IAS और पॉलिटिशियन, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक प्लेटफॉर्म पर वो इकट्ठे हुए और जो चर्चा हुई वो देश को किस तरह से आगे लेके जाए उस पर चर्चा हुई। तो ये चीजें तभी हो पाएंगी जब हमारी पंचायतें सशक्त होंगी, क्योंकि जब तक बेस हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कोई भी महल होगा वो नहीं टिक सकता है। तो पंचायती राज की हम बात करें तो जब तक पंचायतें मजबूत नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, तब तक विकास जो है या 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं वो नहीं हो पाएगा। तो उसी के लिए एक ये ट्रेनिंग थी, एक चर्चा थी कि किस तरह से हम आपसी तालमेल के साथ जो है समस्याओं को सुलझाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो एस्पिरेशनल का जो टैग है वो तभी हटेगा जब एस्पिरेशनल में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उस पर चर्चा होगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मैं एक प्लान लेकर चली वैसे सोच रही हूँ मैं कि सदन के माध्यम से जो वो चीजें, वो फैक्टर्स जो डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल बनाते हैं उन पर चर्चा की जाए, उस पर क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं कि वो एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल की तरफ मूव करें। तो कोई रेवेन्यू जनरेशन होगा तभी अल्टीमेटली ये चीजें संभव हो पाएंगी। तो रेवेन्यू के लिए चंबा में क्या स्कोप है उस पर हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, हमने स्पेशली टूरिज्म डिपार्टमेंट से चर्चा की है कि कोई भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव, कोई नया आइडियाज है तो उस पर काम किया जा सके। मैम, स्कूलों में हो रहे राजनीतिकरण को लेकर भी आज सदन गरमाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, राजनीति तो देखिए ना, एक हम ना एक इसमें स्ट्रॉन्ग एक जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा ही है, पक्ष है तो विपक्ष भी है, दोनों का रहना जरूरी है, जमीन है तो आसमान भी है, दिन है तो रात भी है। कहने का मतलब कि पक्ष है तो विपक्ष है। तो राजनीति तो अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे सबकी अपनी अपनी परसेप्शन रह सकती है, मल्टीपल परस्पेक्टिव वी आर हैविंग हियर, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन वी आर हैविंग इन वन प्लेस और पार्लियामेंट। तो सदन की मैं यहाँ की जो बात मैं करना चाहूंगी, हमारा सदन है, जिला परिषद है, तो सबकी अपनी अपनी हो सकती है इसमें। तो राजनीति वैसे उस तरह से गरमाना नहीं था, जो कुछ विभाग की तरफ से क्वेरीज थी वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने की है, उनकी तरफ से जो उत्तर दिया गया उसको अल्टीमेटली सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़े हैं और बिना किसी इस तरह के भेदभाव को मिटाए आगे हम किस तरह से इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं उस पर चर्चा हुई है। पहली बार मैंने इस तरह का प्रस्ताव रखा है आज कि हर बार कोई अधिकारी अपसेट रहते हैं, किसी ना किसी को कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि इंसान है हम, मशीन तो नहीं है कि जो बाय डिफॉल्ट सेट है वैसे ही चलेगा। तो किसी को भी ऐसी अचानक से कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसमें हमने ये चीज करेंगे कि शो कॉज नोटिस तो आते हैं, उसका रीजन वो दिखा के फिर वो अल्टीमेटली हल कुछ नहीं निकलता। तो जब एक दिन अगर कोई अधिकारी हमारा अगर प्रेजेंट नहीं रह पाता है, कोई दिक्कत रहती है, तो दोबारा से मीटिंग को किया जाए, पर वो पूरी मीटिंग नहीं, जो अधिकारी एब्सेंट रहे होंगे उनके लिए दोबारा से सदन यहाँ बैठेगा और दोबारा से वो अपने एजेंडा के साथ अधिकारी आएंगे और दोबारा से मीटिंग में अपने जवाब देंगे।